हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स सिलेबस की, जो कि आपको बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर में एज ए सब्जेक्ट पढ़ना है। पैथोलॉजी सेकेंड आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। इसके पहले थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था पैथोलॉजी फर्स्ट, और यहाँ पर पैथोलॉजी सेकेंड जेनेटिक्स के साथ आपको पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर में। बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर में पैथोलॉजी सेकेंड में आपको 2 यूनिट पढ़ने हैं और जेनेटिक्स में आपको 5 यूनिट पढ़ना है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पैथोलॉजी में यूनिट बाय यूनिट आपको क्या क्या पढ़ने हैं, क्या कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पैथोलॉजी में आपको 2 यूनिट पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको जो पढ़ना है स्पेशल पैथोलॉजी पढ़ना है, पैथोलॉजिकल चेंजेज इन डिजीज कंडीशंस ऑफ सेलेक्टेड सिस्टम, जिसमें किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, इसमें आपका रहेगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, रीनल कैलकुलाई, सिस्टाइटिस, रीनल सेल कार्सिनोमा, रीनल फेलर एक्यूट एंड क्रोनिक। इस इन केस में पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं डिजीज कंडीशंस में, वो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट मेल जेनेटल सिस्टम, मेल जेनेटल सिस्टम में क्रिप्टोर्किडीज में टेस्टिकुलर एट्रॉफी, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, कार्सिनोमा पेनिस एंड प्रोस्टेट। एंड थर्ड फीमेल जेनेटल सिस्टम में कार्सिनोमा सर्विक्स, कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम, यूट्राइन फाइब्रॉइड, वेसिकुलर मोल एंड ओरियोकार्सिनोमा, ओवेरियन सिस्ट एंड ट्यूमर्स। फोर्थ है ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में आपका रहेगा फाइब्रोसिस्टिक चेंजेज, फाइब्रोएडिनोमा, कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, स्ट्रोक, ट्यूमर्स ऑफ सीएनएस, इन केसेस में क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं वो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट में क्लिनिकल पैथोलॉजी आपको पढ़ना है। क्लिनिकल पैथोलॉजी में एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी कैविटी फ्लूइड्स, जिसमें आपका रहेगा मेथड ऑफ कलेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ एंड अदर बॉडी कैविटी फ्लूइड्स, इसमें आपका रहेगा स्पूटम ऑन डिस्चार्ज, स्पेसमेन फॉर वेरियस क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ सीमेन, स्पर्म काउंट, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी एंड देयर इंपॉर्टेंस इन इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट यूरिन, यूरिन में फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स एनालिसिस, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। फीसेस, फीसेस में करेक्टरिस्टिक्स, स्टूल एग्जामिनेशन, जिसमें ऑकल्ट ब्लड, ओवा, पैरासाइट एंड सिस्ट, रेड्यूसिंग सबस्टांस एटसेट्रा। इसके अलावा मेथड एंड कलेक्शन ऑफ यूरिन एंड फीसेस फॉर वेरियस टेस्ट, ये आपको पढ़ने हैं 2 यूनिट पैथोलॉजी में। नेक्स्ट जेनेटिक्स की बात करते हैं, जेनेटिक्स का सिलेबस देखते हैं। इसमें आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। तो यूनिट बाय यूनिट हम देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, इसमें आपका रहेगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग, इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक कंडीशन ऑन फैमिलीज, रिव्यू ऑफ सेलुलर डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, करेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स, क्रोमोसोम्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल एब्रिएशन, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलॉट एंड ब्लड ग्रुप्स, सेक्स लिंक्ड हेयर इनहेरिटेंस, मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, एरर्स इन ट्रांसमिशन दैट इज म्यूटेशन, ये आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट है मैटरनल, प्रीनेटल एंड जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट ऑफ डिफेक्ट एंड डिजीजेज, जिसमें आपका रहेगा कंडीशंस अफेक्टिंग द मदर, जेनेटिक एंड इन्फेक्शंस, कंसंग्युइनिटी एटोपी, प्रीनेटल न्यूट्रिशन एंड फूड एलर्जीज, मैटरनल एज, मैटरनल ड्रग थेरेपी, प्रीनेटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ड्रग एंड केमिकल्स, इनफर्टिलिटी, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एंड रोल ऑफ फोलिक एसिड इन लोअरिंग द रिस्क, डाउन सिंड्रोम दैट इज ट्राइसोमी 21, ये आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट है जेनेटिक टेस्टिंग इन द नियोनेट एंड चिल्ड्रेन, इसमें स्क्रीनिंग फॉर कंजेनेटल एनोमलीज, कंजेनेटल एबनॉर्मेलिटीज, डेवलपमेंटल डिलेज, डिसमॉर्फिज्म, ये आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट है जेनेटिक कंडीशंस ऑफ एडोलसेंट्स एंड एडल्ट, जिसमें आपका रहेगा कैंसर जेनेटिक्स, फैमिलियल कैंसर, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ब्लड ग्रुप एलेल्स एंड हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जेनेटिक हीमोक्रोमेटोसिस, हंटिंगटन डिजीज, मेंटल इलनेस, ये आपका रहेगा फोर्थ यूनिट में। नेक्स्ट एंड लास्ट है फिफ्थ यूनिट सर्विसेज रिलेटेड टू जेनेटिक्स, जिसमें आपका रहेगा जेनेटिक टेस्टिंग, जीन थेरेपी, जेनेटिक काउंसलिंग, लीगल एंड एथिकल इशूज, रोल ऑफ नर्सेस इन जेनेटिक्स, ये आपका 5 यूनिट है। 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं जेनेटिक्स में। तो आपको पैथोलॉजी के साथ जेनेटिक्स का भी पेपर आता है एग्जाम में, जो आपको 4 सेमेस्टर में पढ़ना है। तो यह था सिलेबस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।